दैट इज़ द थिंग कि मुझे बहुत वो आज तक वो पिन करता गया कि एक लड़का कभी बोल रहा है कि ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए. वेल हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राइट जी पी गायत्री पटेल फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र. एंड बेसिकली माई प्रोफेशन इज़ इंटीरियर डिजाइनिंग, बट आई हैव लेफ्ट इट बैक एंड आई हैव स्टार्टेड राइडिंग बाइक सिंस 2016. फ्रॉम लास्ट 4 years आई एम राइडिंग. बेसिकली आई एम फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स फैमिली आई वुड से, कि जहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड ही नहीं थी. इनिशियल लेवल पे मुझे भी कुछ भी नहीं आ रहा था, मुझे भी यही सारे सवाल थे. लेकिन ना से हाँ तक अभी कन्वर्ट किया है खुद को, अपने फैमिली को और अपने आसपास के काफ़ी सारे लोगों को. सो 2016 में कुछ बाइकर्स को देखा था और जहाँ पे मुझे फील हुआ कि मुझे भी ऐसा कुछ स्टार्ट करना है बाइक राइडिंग. इनिशियल लेवल पे कुछ राइडर्स ने ऐसे थोड़ा पीछे भी खींचा है कि तुम स्लो चला रही हो, तुम्हारा पेस मैच नहीं हो रहा है. तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कि जो ऐसे पीछे खींचती थी, कि वो कहीं चुभती थी कि क्यों, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि 2 दिन में प्रो बन जाएंगे या 2 महीने में प्रो बन जाएंगे, 5 साल के बाद कभी ना कभी तो प्रो बनेंगे. तो ये चीज़ है कि दिमाग में हमेशा कि पीछे मत खींचो, सपोर्ट करो, तो और भी लड़कियां बाहर आएंगी. दैट्स द स्टोरी. 2016 से राइडिंग स्टार्ट किया. 2017 आई स्टार्टेड ऑल द एक्सपीडिशंस लाइक कोल्हापुर कन्याकुमारी कोल्हापुर. आई हैव रोड फॉर 4,000 किलोमीटर्स. उसके बाद में कोल्हापुर लद्दाख स्पीति कोल्हापुर 2017 में ही किया. एंड आफ्टर दैट काफ़ी सारी राइड्स होती गई, इंटरनेशनल राइड्स होती गई. फिर अभी वन ड्रीम वन राइड जो अभी ऑल इंडिया राइड चल रही है. एक्चुअली जो 2019 भूटान राइड के टाइम पे आते वक्त क्रैश हुआ था, वो लिगामेंट का हुआ था, तो उसका ऑलरेडी सर्जरी हुआ था लेफ्ट लेग. तो अभी विंटर स्पीति करते वक्त स्पीति था, तो ऐसे सीन है कि आप चलते चलते भी गिर सकते हो. तो वहाँ पे एक दो सीन्स ऐसे थे कि जस्ट टर्न लेते लेते मैं एक दो बार गिर गई, और वो वाले क्रैश में मेरा एंकल उसी लेग का, लेफ्ट लेग का ट्विस्ट हो गया था. तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट बन गया. तब से लेके अभी तक वो वैसा ही है. मतलब बीच बीच में रेस्ट मिलता है तो हो जाता है, बाकी रेस्ट नहीं मिलता जस्ट बिकॉज की गियर शिफ्टिंग उसी पैर से हो रहा है. तो ये वाला सीन है. और जैसे कि कोविड के टाइम पे काजा पूरा शटडाउन था लॉकडाउन की वजह से. वहाँ पे यूनिटी ऐसी थी कि अब होटल्स या कोई होम स्टेज अवेलेबल नहीं थे, तो हमारे लिए एक चैलेंजिंग था कि हमें जाके वापस आना था. एक तो किलोमीटर्स ज़्यादा, टेम्परेचर लाइक -30 में राइड किया, -29 वॉज देयर. तो वो एक राइड किया. एंड जैसे कि विंटर्स में वहाँ पे इशू ऐसे है कि आपको वॉशरूम्स नहीं मिलते हैं, तो वी वर लाइक कि हम 2 दिन तक वॉशरूम हमारे पास नहीं था. बेसिक मैसेज सबके लिए यही है कि फॉलो योर हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, रिस्पेक्ट करो. राइडिंग कल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें भी वास्ट चेंज होती जा रही है, तो वो बेसिक डिसिप्लिन राइड होनी चाहिए. ट्रैफिक रूल्स जो मैं चाहती हूँ कि पूरा इंडिया ऐसे झटके में चेंज हो जाए कि सबको पता चले कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है आगे वाले जनरेशन के लिए. जिस हिसाब से अभी जो देख रहे हैं सिग्नल्स पे भी देख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए हर जगह पे. दैट इज़ व्हाट आई फील.